है लड़के वालों यानी कि लड्डू की तरफ से, और हमारी दुल्हन यानी कि पिंकी की तरफ से है सरोज मासी, अर्चना मासी और स्वस्ति। तो हमने जैसा भी बोला कि लाडू की शादी आज, उसका नाम लाडू तो नहीं है, उसका नाम है प्रज्ञा। और हम पिंकी को आपको बाद में शादी के टाइम ही रिवील करेंगे जब हम पिंकी के घर जाएंगे। ओके, सो अभी हम तैयार हो गए हैं, बाकी लड़की वाले मैं उसको तैयार कर रही हूँ। अरे हाँ, तो अभी बताना मत पिंकी है कौन, है ना? ठीक है, शादी के दिन ना स्टेज पे फोटोज होती है ना, सब रिलेटिव्स आते हैं। मैंने ना एक सीढ़ियों पे ना वो रख दी चेयर, दूसरे भी रख रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी हम लड़की वालों में से तो मैं उनको उसको तैयार कर देती हूँ पिंकी को। साथ नहीं दे रहे वो तो अपने आज तो मम्मी के पास ही रहेगा। तो मम्मी नहीं आएगी क्या शादी में? कुछ भी भाई, हाँ मम्मी तो शादी में ही नहीं आती। मम्मी शादी में ही नहीं आती? हाँ मम्मी नहीं आती, ये कोई रिवाज रीति रिवाज राजस्थान में नहीं आती। सच्ची नहीं आते, लेकिन अपन की शादी में बुलाएंगे। मेरी मम्मी को बुलाना जरूरी है, वरना हमारा लड्डू रहेगा क्या? तो फ्रेंड्स, लड़की वालों में और लड़के वालों में हम तीन ही तैयार हुए हैं। तो अभी और कोई तैयार किया है, लेकिन और भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, इंदु मासी भी हमारे साथ है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा मेकअप दूल्हा प्रज्ञान पूनिया। सो ये यहाँ पे अभी रेडी हो रहा है। लड्डू बहुत बेताब है तू तो शादी के लिए, बाद में है ना भाभी के खर्चे करने पड़ेंगे साड़ी वाली और सब में। नहीं, इसको क्या पता सी दर्द। चलो भाई, तो लड्डू अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, हम उसको थोड़ी देर बाद में रेडी करेंगे। और अभी तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हम बाद में मिलते हैं। अरे ये हमारी तो नहीं आ रही, मम्मा तो लेके जाएंगे। अंशु गई मेरे भाई को भी लेकर गैरेज में एक शेर और एक डॉगी। अरे दहेज को क्यों प्रमोट कर रहे हो? कोई दहेज नहीं है हमारी तरफ से। तो भाई मायरे का इंतजाम तो नहीं किया? मायरा मायरा वो कहते हमारा काम नहीं है। अरे ना गिर जाएगा ये दूल्हा। दूल्हा तो पढ़ पढ़ के सही हो रहा है, फूट फूट के पक्का हो रहा है। तो दूल्हे राजा रेडी हो? हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं दूल्हे राजा? नहीं ये बिदके में घोड़े की तरह सुबह से ही ये परेशान के नाम से ही परेशान है। अब हमने आधे से ज्यादा तैयारियां कर लिया, तो मैं आपको वो तैयारियां दिखाता हूँ। और हमने एक कमरा हमारा बनाया भवन, जिसमें हमने सारी स्टेज वेज किया। अब मंडप का हमें आगे देखना है कि मंडप का हम क्या करेंगे। मंडप हो गया इस सामान को, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर रोप है, दूल्हा जो काटता है कैंची लेके, और कैंची आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर है। ये हमारे जो वेलकम बोलते हैं, ये इधर देखिए, इधर बैठेंगे दूल्हा दुल्हन और फोटो खींचेंगे। इधर ये वरमाला पहनाएंगे एक दूसरे को, और मैं आपको वरमाला अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इधर हमारे जो गेस्ट आए वो ये रहे, हमने इनकी कुर्सियाँ लगाई है, ये एक, ये इधर, ये चार इधर, ये ऐसे करते करते हमने इनको एडजस्ट किया है। और फ्रेंड्स, ये हमने फैमिली वाइज इनको साथ में बैठाया है एक। तो फ्रेंड्स, ये है दूल्हे की कुर्सी और ये है दुल्हन की कुर्सी, जो आइडिया इन दोनों ने सोचा था। तो यहाँ पे वरमाला का ना दिखा दे, हाँ मेरे को भी नहीं पता है किसकी। ये देखो, ये है, ये है प्रज्ञान की वरमाला, और ये है वो पिंकी की, हाँ प्रियंका की वरमाला, और ये है बीच की आग। इधर ये दोनों बैठेंगे, हम उनको वरमाला पहले उधर पकड़ाएंगे, फिर वो दोनों इधर बैठेंगे, इधर पंडित जी यानी कि मैं, और उसके बाद इधर फेरे होंगे और विदाई होगी उसके बाद। और मायरा में हम दे रहे हैं हमारा एक टॉमी, ओनली टॉमी, एक कुत्ता। तो फ्रेंड्स, अभी है ना मेरे को एक बात समझ
आदमी है प्रज्ञान पिंकी को ये वाली वरमाला देगा या फिर पिंकी प्रज्ञान? पिंकी को हम ये पकड़ेंगे, पिंकी प्रज्ञान को ये पहनाएगी और प्रज्ञान को वो पकड़ेंगे, प्रज्ञान वो वाली पिंकी को पहनाएगा। ओके, तो अब मुझे समझ आ गया है। ठीक है, तो डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है भवन की, लाइटिंग भी हमारी अच्छी है, ट्यूब लाइट और पंखा, एकदम ठंडा कमरा है एकदम ये, और गेस्ट भी हमारे आ रहे हैं, गेस्ट हमारे ये इतने, और हमारी लड़का और लड़की वालों की तरफ से और गेस्ट है, लड़का है यानी कि हमारी तरफ से मम्मा और कुकू और इनकी तरफ से। हमारा पहला दूल्हा भाग चुका है, उसने हमने धोखा दे दिया, वो सो चुका है, इसलिए हमने एक नया दूल्हा एकदम मस्त चुन लिया है, एकदम मस्त शादी के लिए पिंकी के साथ एकदम शादी के लिए पूरा तैयार है, पूरा कपड़ा। राकेश घर पे हम तो फेरों का टाइम हो
तेरे करा दीजिए पहले फोटो फोटो सर करवा की फोटो करवा आपकी पहले आपकी फोटो ओके चलो चलो साइड हो इंदुम की फोटो ये देखिए ये सबसे बुड्ढे बुजुर्ग हमारे जिसके बहुत साल बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं साइड हो ये 99 साल की है हमारी माता जी का सोमवार जन्मदिन मनाएंगे हम जल्दी तो एक लोग और आएगा रुक जाओ देखो ये माँ का लाडला दूल्हा है अरे दूल्हे राजा वेट करो मम्मा आ जाएगी आप ही को मिलेगी मम्मा बीच में ही ये तांत्रिक वाले जब आ गए उल्टे फेरे हो गए जल्दी आ जल्दी टोपी के पीछे दूल्हा भागे जा रहे दूल्हा नाच रहे हैं मैडम मैडम ये पंडित जी है घर वाले लड़की चाहिए भी है यूं ही यूं ही डाल दे तो विदाई हो रही है अरे दूल्हा आपको दहेज देते चलो बैठते हैं नहीं कोई दहेज नहीं है हमारे ही रुपये पैसे से गिनी गई है वो गए अरे दूल्हा दुल्हन रह गई पीछे अरे दुल्हन गई रो रही है अरे बेटा रोना नहीं है रोना नहीं है बेटा घर जाओ घर जाओ जल्दी से उन लोगों को बुलाओ तो जाओ जाओ नहीं नहीं आजकल की मॉडर्न लड़की हमारी विदाई हो गई है चलो वो तो यार सस्ती नहीं अरे तो लड़के वाला है क्या आवाज सस्ती सस्ती क्यों रो रही है अरे बेटा रोते नहीं रोते नहीं रोते विदाई में आपके लिए इतना ही बहुत है आपके लिए दहेज इतना ही बहुत है आपकी शादी करवा दी ठीक है ना आप मम्मी के हेल्प के लिए कभी धरती पर हम तेरे को बहुत देंगे हम आपकी भी अभी दिखाएंगे नमस्ते
बाल विवाह हुआ है, अब हम पुलिस को बुलाएंगे। आप लोग एक बहुत बड़ा ड्रामा हो चुका है। दुल्हन अपना ससुराल छोड़ के पिंकी कुकू को छोड़ के यानी कि राका को छोड़ के आ चुकी है, क्योंकि हमारा घर टॉयलेट बाहर है। तो मैं भी आपसे विनती करती हूँ, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को अपनाए रखें, अपने घर पे टॉयलेट अंदर रखें, वरना ऐसे ही आपकी बहू भी आपको छोड़ के फरार हो जाएगी। अगर आपको हमारे शादी का पूरा वीडियो उसमें बीच में ट्विस्ट आया जिसमें दूल्हे को टॉफी के लिए शादी करनी पड़ी जिसमें बाल विवाह हुआ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हमारे प्रटेंडेड शादी वाला प्ले अच्छा लगे तो हमारे चैनल कुकरे चैंपियंस के वीडियोस को लाइक